सुर्खियों में नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वाधीनता के लिए भारत के अविस्मरणीय संघर्ष में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की वीरगाथा। आज आप सुनेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दक्षिण भारत के स्वतंत्रता सेनानी धीर सत्यमूर्ति, पी कृष्ण पिल्लय, ओडी वीरन, अग्नि सामाजिक सुधार संगठन ब्रह्म समाज, महान नेता सहोदरन और पी जीवनंथम की बहादुरी तथा अंग्रेजों के खिलाफ उनके अनुकरणीय योगदान के बारे में। आजादी का अमृत महोत्सव इस कड़ी में हम आपको नेताजी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताएंगे। आज ही के दिन 1945 में समाचार मिला कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइवान में ताइहोको हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने नजदीकी जापानी सैन्य अस्पताल में चोट के कारण दम तोड़ दिया। पेश है भारत के स्वाधीनता संघर्ष की सबसे बहादुर हस्तियों में से एक नेताजी के जीवन की झलक। सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक शिक्षा प्राप्त की और 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि बाघ को लंबे समय तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। आजाद ख्याल के सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता करने के बजाय अपने देश की आजादी के लिए कार्य करने का रास्ता चुना। सुभाष ने स्वराज का समर्थन किया। उनका विचार था कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद नेताजी ने जन आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सुभाष की अपील पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सके और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए, वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू इंडियंस इन ईस्ट एशिया, माय कंट्रीमैन इन ईस्ट एशिया। व्हाइल आई एम इन टोक्यो, आई डिजायर टू एड्रेस अ फ्यू वर्ड्स टू यू एंड आई हैव नो डाउट दैट यू विल गिव देम ड्यू कंसीडरेशन। बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा। आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थी। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है। माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देश भक्तों का देशभक्त कहा था। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether
we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. अठारह अगस्त को विजय लक्ष्मी पंडित की जयंती भी है। वे राजनेता और राजनयिक थीं। स्वतंत्रता से पहले भारत में कैबिनेट मंत्री बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थीं। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थीं। हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नायकों में से एक ओंडी वीरन और अग्रणी सामाजिक सुधार संगठन ब्रह्म समाज की बात करेंगे। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान 1771 में भारत माता के महान सपूत ओंडी वीरन पगडेई शहीद हुए थे। वे तमिलनाडु की वन मैन आर्मी माने जाते थे। ओंडी वीरन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले योद्धाओं में से एक थे। ओंडी वीरन का जन्म तमिलनाडु के तेनकासी जिले के संकरन कोविल में हुआ था। वे तिरुनेलवेली क्षेत्र में राज कर रहे बुली तीवन की सेना के कमांडर इन चीफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरकार्ड के नवाब से दक्षिणी तमिलनाडु से राजस्व एकत्र करने का अधिकार हासिल कर लिया था। बुली तीवन और उनके लेफ्टिनेंट ओंडी वीरन ने ब्रिटिश आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। ओंडी वीरन ने सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और सभी जीते। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुली तीवन को उनके किले से गिरफ्तार कर लिया और उनका सिर कलम कर दिया। ओंडी वीरन को राजा बनाया गया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी और बुली तीवन के परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। कुल मिलाकर ओंडी वीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 11 लड़ाइयां लड़ी। 20 अगस्त 1771 को तिरुनेलवेली जिले के निकट मानूर गांव में घायल होने के बावजूद ओंडी वीरन ने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन युद्ध के बाद उस निर्भीक योद्धा ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। आज भी उनकी याद में मानूर में स्मारक मौजूद है, जो आने वाली पीढ़ियों को उस महान योद्धा के साहस और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। आज ही के दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर के साथ बंगाल में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय भारत के अग्रणी समाज सुधारक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने भारत में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय को बंगाल के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज को भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से एक माना जाता है, जिसने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। इस संगठन ने सामाजिक मुक्ति में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का उन्मूलन और समाज में महिलाओं की स्थिति का उत्थान शामिल है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत से ही नेता संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगे थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी होम रूल लीग आंदोलन देश भर में तेजी पकड़ रहा था। इस लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग ने आज ही के दिन 1917 में ब्रिटिश संसद में भारत में ब्रिटिश नीतियों के लक्ष्य की घोषणा की। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना गया। अगस्त घोषणा का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना था, ताकि भारत में उत्तरदायी सरकारों की दिशा में प्रगति हो सके। उस घोषणा में दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा गया था।
हालांकि भारत के नेताओं ने इन सुधारों की आलोचना की क्योंकि लोगों की मांग पूर्ण स्वाधीनता थी और वे केवल डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस घोषणा की आलोचना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने उन सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक सूर्यहीन सवेरा कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी जो 1947 में भारत की आजादी तक शासन का आधार बना रहा। आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सहोदरन और पी जीवनंथम के बारे में और बताएंगे अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को एर्नाकुलम के चेन्नई में हुआ था। वे श्री नारायण गुरु की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अयप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। अयप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया। मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि अयप्पन के नाम के साथ सहोदरन भी जुड़ गया। 6 मार्च 1968 को अयप्पन ने दुनिया से विदा ली, लेकिन केरल के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास में सहोदरन का योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। आज देश के एक और महान सपूत पी जीवनंथम की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21 अगस्त 1907 को हुआ था। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक सांस्कृतिक विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, पत्रकार और आलोचक भी थे। इन सब के अलावा वे वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेता थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। जीवनंथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर शुरू किया था। 1924 में उन्होंने वाइकम सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मांग करने वाले प्रदर्शन में भाग लिया। सरयोव्याल आश्रम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके कुछ सिद्धांतों पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनंथम का पत्र गांधी जी की जेब में था और वे जीवनंथम से मिलना चाहते थे। सरयोव्याल आश्रम में जब गांधी जी पहुँचे तो 25 वर्षीय जीवनंथम से मिलकर चकित रह गए। जीवनंथम की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया और जाति आधारित पक्षपात के खिलाफ उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। जीवनंथम ने तमिलनाडु में श्रम आंदोलन को मजबूत करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे तमिल साहित्य के अच्छे ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता थे। जीवनंथम ने भगत सिंह के निबंधों का तमिल भाषा में अनुवाद किया। देश आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव में जीवनंथम विधायक बने और तमिलनाडु के विकास के लिए काम किया। आज ही के दिन 1940 में राष्ट्रवादी नेताओं ने वर्धा सम्मेलन में अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिन लिथगो ने घोषणा की कि जर्मनी से युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। भारतीय नेता इस घोषणा से नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध की आग में धकेल दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन लेने के लिए लालायित थी क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का भय था। वायसराय लिन लिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और संपूर्ण आजादी के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहे। अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वयं सेवकों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। वर्धा के संत विनोबा भावे पहले स्वयं सेवक बने। सत्याग्रही स्वयं सेवकों ने इसके साथ ही दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया।
ये स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अंतिम चरण था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा था करो या मरो। गांधी जी के करो या मरो के उद्घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम आहुति दी। हम देश के दक्षिणी भाग के दो महान भारतीयों धीर सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की बात करेंगे। उत्कृष्ट और प्रभावशाली वक्ता एस सत्यमूर्ति आज के तमिलनाडु के पुदुकोट्टई रियासत में तुरुमयम के निवासी थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1887 को हुआ था। उनका लालन पालन पारंपरिक वातावरण में हुआ और मद्रास से शिक्षा संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, लेकिन देश को आजाद कराने की इच्छा उन्हें क्रांति की राह पर ले गई। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बंगाल का विभाजन हो या रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार हो या साइमन कमीशन का विरोध, सत्यमूर्ति सबसे आगे नजर आए। जब सत्यमूर्ति 1939 में मद्रास के महापौर बने तो शहर जल संकट का सामना कर रहा था। दूरदृष्टा राजनेता के रूप में सत्यमूर्ति ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुंडी में जलाशय बनाने की आवश्यकता समझी। ये आज भी चेन्नई के लिए एकमात्र जलाशय है। सत्यमूर्ति लोक कला में निपुण थे। वे कर्नाटक संगीत में तो विशेष रूप से पारंगत थे। उन्होंने मद्रास में संगीत अकादमी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और अमरावती जेल में सश्रम कारावास की सजा मिली। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी की समस्या हुई और 28 मार्च 1943 को मद्रास के जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज के राजनीतिक गुरु भी थे। आज पी कृष्ण पिल्लई की जयंती और पुण्यतिथि भी है। वे महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे वायकाम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और गुरुवयूर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वे केरल में तत्कालीन वाम आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुए थे। वे पहले गांधीवादी रहे और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए। कृष्णा पिल्लई 1924 में मंदिर में प्रवेश के लिए वायकाम सत्याग्रह के सक्रिय स्वयंसेवक थे, जिसका नेतृत्व ईवी रामासामी कर रहे थे। वायकाम मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में चलाया जा रहा था। लंबे समय तक चले उस आंदोलन की सफलता ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। कृष्णा पिल्लई ने 1930 में कोझिकोड से पयानूर तक नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सच्चे गांधीवादी के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के दमन का बहादुरी से सामना किया। कृष्णा पिल्लई 1931 में गुरुवयूर मंदिर में घंटी बजाने वाले पहले गैर ब्राह्मण थे। शुरू में उनकी राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन 1936 में उनकी गतिविधियों का विस्तार कोचीन और त्रावणकोर तक हो गया। 1938 में उन्होंने अलपुझा में प्रसिद्ध कामगार हड़ताल का आयोजन किया, जो अत्यधिक सफल रही, और 1946 में पुनप्परा वायलार संघर्ष की मुख्य प्रेरणा बनी। कृष्णा पिल्लई संगठन कौशल में बहुत निपुण थे, जो केरल में दबे कुचले लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। 18 अगस्त 1948 को सर्पदंश से उनकी असमय मृत्यु हो गई। कृष्णा पिल्लई संभवतः केरल के मजदूरों और किसानों के घरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। वे ऐसे नेता थे जिन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध साहस और उत्साह से डटे रहने के लिए जाना जाता है। सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में